आज मैं आपको आलू के पराठे बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए आपने 4 अदद आलू लेने हैं, उसको उबाल लें और अच्छी तरह इसको किसी भी चीज़ में डाल के मैश कर लें। आलू अच्छी तरह मैश हो चुके हैं। आलू के पराठे बनाने के लिए मैंने 1/2 अदद प्याज ली है, उसको छोटा छोटा काट लिया, 2 अदद ग्रीन चिल्ली, थोड़ा सा हरा लहसुन लिया है मैंने। हरा लहसुन के पत्ते हैं, मैंने गार्डन में लगाया था, मैं वहाँ से तोड़ के लाई हूँ क्योंकि मेरे पास हरा धनिया नहीं था इस वक्त, फ्रोज़न किया हुआ है। तो आपके पास जो चीज़ है आप डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने नमक लिया है, थोड़ी सी हल्दी ली है, 1 टेबल स्पून मैंने चिली ली है। ये जो आलू थे मैंने इसमें डाल दिए हैं जो मैश किए थे मैंने। अब मैं सब चीज़ इसमें डालती हूँ सारे में। इसको फोक की मदद से मिक्स कर लें अच्छे तरीके से। अच्छी तरह फोक से मिक्स कर लें, फोक से कर लें, हाथ से कर लें, या आपके पास मैशर है इससे मैश करने वाला, अगर आपके पास है तो आप इसके साथ भी कर सकते हैं इजीली, जैसे आपको इजी लगता है। ये माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से मैश हो गया है। अब हम आटा निकालते हैं, पराठा बनाने की तैयारी करते हैं। ये मैंने बटर लिया है पराठे बनाने के लिए, और आटा मैंने निकाल के कंटेनर में डाल दिया है छोटे, और आलू का जो मैंने मैश किया था आलू को पराठों के लिए तो वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। और आप एक प्लेट ले लें, चिमटा और एक चम्मच ले लें। अब हम चूल्हे पे तवा रखते हैं, उसका फ्लेम ऑन करते हैं। अब हमने 2 अदद छोटे छोटे से पेड़े लेने हैं। सेम साइज के इसे अच्छी तरह से बेल लें। खुशका लगा लें, फिर बेलें।
आप जो रोटी बेली हुई है आप उस पे जो आपने आलू मैश करके रखे हैं वह प्याज ग्रीन चिली जो भी है इस पे डाल दें। अच्छी तरह फैला लें। दूसरी रोटी इसके तरह डाल दें। अच्छी तरह इनको चारों तरफ से बंद कर लें। बैलेंस बराबर कर लें इस तरह। अब इसके ऊपर थोड़ा सा आटे को खुश्क कर लगाएं। आटा डालिए हल्का हल्का। अब अच्छी तरह इसको बेल लें चारों तरफ से। अच्छी तरह पकाएं और बहुत क्रंची कर लें। लो फ्लेम पे पकाएं बिल्कुल। एक तरफ मैंने चाय रखी है इसके साथ पराठों के साथ आप चाय बना लें या आप लस्सी बना लस्सी के साथ पराठे के साथ लड्डू के साथ जैसे आपको अच्छा लगता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी अच्छी तरह रेडी हो चुका है दोनों तरफ से। अब हम इसको उतार देंगे और आपको दिखा देती हूँ। देखिए इसी तरह सारे पराठे रेडी कर लें। इसको हम तवे पे डाल देते हैं। जब ये अच्छी तरह पक जाए तो दूसरी तरफ पलट दें। अब इस पे आप बटर लगा लें। हल्का हल्का सा बटर लगा लें, मर्जी आपकी ऑयल लगा लें घी लगा लें आपके पास जो अवेलेबल है। बटर लगा रहे हो तो बहुत सारा धुआं निकलता है क्योंकि बटर में थोड़ा पानी होता है। अच्छी तरह इसको हिला लें और इसकी दूसरी साइड पे बटर लगा लें।
जब ये अच्छी तरह पक जाए तो दूसरी तरफ पलट दें। अब इस पे आप बटर लगा लें। हल्का हल्का सा बटर लगा लें, मर्जी आपकी ऑयल लगा लें, घी लगा लें, आपके पास जो अवेलेबल है। बटर लगा रहे हैं बहुत सारा धुआं निकलता है क्योंकि बटर में थोड़ा पानी होता है। अच्छी तरह इसको हिला लें और इसकी दूसरी साइड पे बटर लगा लें। ये हमारे परांठे तैयार हो रहे हैं आलू के। ये हमारी चाय है गर्मा गर्म इसके साथ, और ये है रायता। लुक कितने प्यारे लग रहे हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अरहम, चलिए अब हम आराम से पूछते हैं। आराम को कैसा लगा परांठा? आराम कैसा लगा आपको आलू वाला पराठा? यम्मी। क्या आप जोर से बोलो, मुझे आवाज़ नहीं आ रही ना। थैंक यू मम्मा। यू वेलकम। ये मम्मा ने मेक किया आपके लिए। आप मम्मा को लव करते हो? कितना लव करते हो? 100 बिलियन। अरे मेरा तो बहुत गुड बेटा है। मम्मा को डेली दबाता भी है ना? आप क्यों दबाते हो मम्मा को? किस लिए आप मम्मा को क्यों दबाते हो? और हम अल्लाह सवाब नहीं देता? अल्लाह सवाब देगा आपको? किसने बताया था अल्लाह सवाब देता है? क्या फिंगर से नहीं बताओ, मुंह से बताओ ना, नाम कैसा? मम्मा बताती है आपको अल्लाह सवाब देता है मम्मा बाबा की खिदमत करने से। ओह गुड, इसलिए आप दबाते मम्मा से, मम्मा को लिसन भी करते हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या कर रही हो? ईट क्या कर रही है? ईट कर रही हो? इसको क्या कहते हैं? परांठा। कौन सा परांठा है? ये वाला। इसका नाम क्या है पराठे का? आलू वाला। किसका बताओ? आप आपको पसंद आया? यम्मी है? थोड़ा ज्यादा? जैसे पहले बोला था, कैसे बोला था? 100 क्या? 100 बिलियन। ओह थैंक यू। आप हंग्री हो? ज्यादा कम? ज्यादा। ओके, आपका फेवरेट फूड क्या है जोहर? ये आलू वाला पराठा। चिली तो नहीं इसमें ज्यादा? नो। ओ, तो आपने मम्मा को थैंक यू नहीं बोला? मम्मा ने आपके लिए मेक किया। थैंक यू। यू वेलकम। ओके, से अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।